हेलो स्टूडेंट, हम जैसे पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे क्वेश्चन 2.1 एंड 2.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 12, आज उसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं हम। जो अपने पास क्वेश्चन है 2.3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पहले ही बताया है एनसीईआरटी जो है आईआईटी, नीट, नेवी, एयरफोर्स, अन्य जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे उन्हीं क्वेश्चन को लेके चलते हैं 2.3 जो है अपने पास। टू चार्ज, दो चार्ज है। फर्स्ट जो चार्ज है Q1 प्लस 2 माइक्रो कूलाम, और सेकंड जो चार्ज है -2 माइक्रो कूलाम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। पहले ए एंड बी पॉइंट कंसीडर करते हैं। ए पॉइंट तो ये हो गया और बी पॉइंट ये है अपने पास। इन पे क्या है अपने पास, चार्ज गिवन है, और चार्ज क्या क्या है अपने पास। ए वन पे, ए पे है Q1 इक्वल +2 माइक्रो कूलाम, और इस पे है Q2 इक्वल -2 माइक्रो कूलाम, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस सिस्टम। हमें यहां एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मालूम करना है। कौन सा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका जो मीनिंग है, इक्वी का मतलब क्या है, इक्वल, और पोटेंशियल आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। और सिस्टम कोई प्लेन हो सकता है, कोई सीट हो सकती है, कोई फुटबॉल हो सकती है, मतलब कोई भी सरफेस हो सकता है अपने पास। तो इक्वी पोटेंशियल का मतलब है इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर एवरी पॉइंट ऑन दी सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो हम ऐसा पॉइंट कंसीडर करते हैं यहां कि मिलेगा कहां, जहां पोटेंशियल सेम मिले। तो यहां जो इसके मिड पॉइंट पे, यहां ओ पे, यहां से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, यहां से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो टोटल जो पोटेंशियल है इस ओ के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ कितना है, 0, क्योंकि यहां प्लस है, यहां क्या है, माइनस। तो क्या हो गया, के Q1 अपॉन में ए से ओ डिस्टेंस प्लस के Q2 डिवाइड में ओ से बी डिस्टेंस। ये जो है वैल्यू सेम है, के बार Q1 ये भी इक्वल है, तो ए ओ ही लिख सकता हूं मैं, प्लस Q2। Q1 है +2 माइक्रो कूलाम, और Q1 और Q2 दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, तो -2 + 2 क्या हो गया, 0। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। हमें पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना था, हमें क्या करना था, सिस्टम सरफेस, क्या करना था, एक सरफेस फाइंड आउट करना था। तो क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट में से एक सरफेस पास करते हैं नॉर्मल। मान लो इसी पे चार्ज रखा हुआ था Q1 Q2, और इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पोटेंशियल 0 है। तो क्या करते हैं हम, इसी पॉइंट में से एक नॉर्मली क्या करते हैं, एक सरफेस, एक प्लेन पास करते हैं इस प्रकार से, और इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस इक्वल, यहाँ से डिस्टेंस इक्वल, सभी की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी Q1 से और Q2 से। तो यहां जो सरफेस आ गया अपने पास,
ये आ गया। ये क्या आ गया अपने पास, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आया है, जीरो। अब बात करते हैं सेकंड केस की, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल। नॉर्मल किस पे है, टू द प्लेन सरफेस, टू द प्लेन सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल है। इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ए बी से जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सच दैट फ्रॉम पॉजिटिव, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से चलता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ये इसकी क्या हो गई डायरेक्शन, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए टू बी। अब जो सेकंड जो क्वेश्चन है अपने पास 2.4 वो देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन है 2.4 ये बोर्ड के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जितने भी बोर्ड है अपने इंडिया में, सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में 2.4 में क्या गिवन है वो देखते हैं। ए स्पेरिकल कंडक्टर, एक स्पेरिकल कंडक्टर है एक फुटबॉल की तरह, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, और इसके जो सेंटर से है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, कैपिटल आर, हैज ए चार्ज ऑफ 1.6×10⁻¹ कूलम। क्या वो जो है 1.6×10⁻¹ कूलम यूनिफॉर्म ऑन इट्स सरफेस। इसके जो सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये जो चार्ज है टोटल इसके सरफेस पे ओनली, इस पे ये जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 1.6×10⁻¹ कूलम। हमें क्या देखना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट जो केस है, केस नंबर फर्स्ट जो है अपने पास, इनसाइड द स्पेयर, इनसाइड द स्पेयर, इस स्पेयर के अंदर कहीं भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये मान लो ए है, ये इस पॉइंट पे हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, यहां जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है E इक्वल के क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर, के की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, लेकिन इनसाइड जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना है, जीरो, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया यहाँ। और क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करते हैं भाई, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ जीरो होता है इनसाइड। तो सेकंड केस जो है अपने पास जस्ट आउटसाइड, इसके आउटसाइड जस्ट दिस स्पेयर, इस स्पेयर के जस्ट आउटसाइड, मतलब हम मान के चल सकते हैं इसके सरफेस पे, यहां इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ए बी, बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक आ गया, के क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर, के की वैल्यू है 9×10⁻¹, और क्यू कितना है
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और आर कितना अपने पास 12 सेंटीमीटर, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और कितनी बार है, दो बार है, तो 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 10 की पावर 5, और यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। जो थर्ड केस है वो देखते हैं आप। थर्ड केस क्या है, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सेंटर, इस सेंटर से ओ से कितनी डिस्टेंस पे देखना है, 18 सेंटीमीटर आर जो है इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या देखना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो फॉर्मूला वही है, ई इक्वल सी इक्वल के क्यू, इस कैपिटल आर की जगह क्या हो गया स्मॉल आर, वैल्यू वही है, के कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और आर कितना है, ये चेंज हुआ है आपकी बार, 18 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 18 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको सोल्व करने के बाद जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ई सी किसके इक्वल आ गया, 4.44 इंटू 10 की पावर है, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आ गया सोल्व करने के बाद अपने पास 4 न्यूटन पर कूलम। इस प्रकार हम स्फेरिकल सर कंडक्टर के एग्जाम्पल जितने भी है, एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं, और कहीं भी इनसाइड एट सरफेस आउटसाइड हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।